हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेज इंडस्ट्रीज की। दोस्तों, यहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज की अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम पे बहुत ऊपर स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है। और बीते अगर हम 5 मंथ से एगो की बात करें, अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टॉक जब निचले लेवल पे था तो यहाँ पे 34,000 पे करीब करीब आपको 33,000-34,000 रुपए देखने को मिल रहा था। तो मैं बता रहा था यहाँ पे कि पेज इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा टाइम है खरीदारी करने का, एक बड़ा मुनाफा कमाने का। लेकिन जिन लोगों ने नहीं माना वो यहाँ पे लॉस जरूर किए होंगे। मैं ऑलरेडी यहाँ पे वीडियोस रिलीज किया था, लगातार गिरावट में खरीदने का मौका या ऑपरेटर गेम। यहाँ पे स्पीडो जॉकी एंड स्पीडो ब्रांड वाली कंपनी है, पूरा निचोड़ एक वीडियो में। टारगेट प्राइस 25K या 50K यहाँ पे आपको मैंने दिया था। अगर इस वीडियोस पे क्लिक करोगे तो आपको देखिए यहाँ पे आपको 34,088 रुपया पे आपको शेयर प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर निकल चुका है, यहाँ पे 7,000 ऊपर ऑलरेडी निकल चुका है। आप 41,000 समथिंग का आप देख रहे हो अभी के टाइम पे, जो इसकी प्राइस है 41,200 रुपया देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ी रैली आपको निचले स्तर से जब से मैं बनाया हूँ, जब से कंटिन्यू अपसाइड आपको देखने को मिला है वीडियोज में, सॉरी इनके जो प्रॉफिट में, एक तरह से आप देखिए कंटिन्यू ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आया है। और यहाँ पे 5 मंथ पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे 33,000 पे जब ये इस लेवल पे था तभी मैंने वीडियोस बनाया था। और उस टाइम से आप देखें एक तरह से ऊपर स्टॉक चलता ही चला गया है एक तरह से। तो यहाँ पे एक तरह से काफ़ी ऊपर गया है। लेकिन आज यहाँ पे कंपनी Q1 क्वार्टर का रिजल्ट्स भी पब्लिश कर रही है, तो उसके अवार्ड भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप नए हैं तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके चलिएगा, तभी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन के जरिए अपडेट मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी कंपनी जो पेज इंडस्ट्रीज, जिसको आप जानते होंगे इंटरनेशनली ब्रांड कह सकते हैं भी, क्योंकि इंडिया के अंदर ब्रांड तो है ही, प्लस यहाँ पे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, UAE, ये सब जगह आपको इनका प्रेजेंस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इन सारे जगह पे यहाँ पे अपना प्रोडक्ट को सेल करती हुई नजर आती है कंपनी। यहाँ पे अगर आप देखें तो जॉकी का इंटरनेशनल INC US के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक 147 प्लस कंट्रीज के अंदर इनका प्रेजेंस है और ब्रांड है जो रिकॉग्नाइज्ड हो रखा है ऑलरेडी। तो 147 कंट्रीज के अंदर इनका प्रेजेंस एक बड़ी बात है। और इस कंपनी की अगर आप देखो मार्केट कैप की अगर आप बात करें तो 46,040 करोड़ का फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे बेसिकली ये कंपनी की जो EPS है 510 रुपये के EPS जनरेट करती है। और कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी बहुत शानदार है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है। लेकिन रिसेंटली जो बांग्लादेश में यहाँ पे एक तरह से जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है उसकी वजह से इस स्टॉक के भी ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आता हुआ जरूर नजर आया है। यहाँ पे कंपनी का रिजर्व है जो 1586 करोड़ का है फिलहाल, 185 करोड़ का डेप्ट है। तो यहाँ पे डेप्ट इक्विटी बहुत कम है, 0.12 का है। 45% खुद यहाँ पे प्रमोटर अपने पास होल्डिंग रखे हुए हैं और बुक वैल्यू 1432 रुपया देखने को मिलता है। कंपनी यहाँ पे डिविडेंड 0.90% का आपको देती हुई नजर आती है। और यहाँ पे कंपनी के जो ग्राहम नंबर प्राइस रखा गया है वो यहाँ पे इसी के लेवल पे आपको देखने को 4054 रुपया ग्राहम नंबर प्राइस है। अब पेट्रोस्की स्कोर की बात करें तो 7 की रेटिंग देखने को मिलता है। FIS की होल्डिंग 20.6% का और DIS की होल्डिंग 27.4% का देखने को मिलता है। कंपनी यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखें तो बड़े इन्वेस्टर हैं जो अभी के टाइम पे यहाँ पे खास करके DIS की बात करें, जून क्वार्टर में बहुत तगड़ी खरीदारी करते हुए नजर आए हैं इस कंपनी के अंदर और कंटिन्यू ये खरीदारी कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप देखोगे तो 18% से 27% तक अपना होल्डिंग कर लिए हैं। और यहाँ पे जो FIS है बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं की है, यहाँ पे इन्होंने 20% होल्डिंग रखे हुए हैं अभी भी और 23% पहले था। अगर हम बात करें तो यहाँ पे होल्डिंग इनका कम हुआ तो 9% से ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक के पास था, जो यहाँ पे 6% से होल्डिंग के करीब आ चुका है। तो यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो इस स्टॉक के ऊपर आज जरूर फोकस रखिएगा, क्योंकि कंपनी यहाँ पे Q1 क्वार्टर का रिजल्ट्स पब्लिश कर रही है दोस्तों। और Q1 क्वार्टर में क्या यहाँ पे बड़ा धमाका आज कंपनी करेगी या नहीं करेगी दोस्तों। यहाँ पे मार्च क्वार्टर में कंपनी 78 करोड़ से कंपनी का सेल्स बढ़ के, प्रॉफिट बढ़ के यहाँ पे 108 करोड़ होता हुआ नजर आया था। 965 करोड़ से सेल्स बढ़ के 995 करोड़ हुआ था। 14% से मार्जिन बढ़ के 17% मार्जिन देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्टेड देखने को मिल सकते हैं जून क्वार्टर में, लेकिन यहाँ पे इतना भी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। कंपनी यहाँ पे ग्रोथ करती हुई नजर आएगी दोस्तों।
तो यहाँ पे आज कंपनी Q1 क्वार्टर का रिजल्ट्स जून क्वार्टर का यानी मतलब यहाँ पे पब्लिश कर देगी, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखे तो कंपनी का काफी शानदार है और कंपनी कंटिन्यू और कंसिस्टेंट ग्रोथ करती हुई नजर आई है। ये चीज आप देख सकते हैं, नंबर खूब 876 करोड़ से इनका जो सेल्स है 4582 करोड़ होता हुआ नजर आया, 113 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़ के 569 करोड़ होता हुआ नजर आया है। दोस्तों यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखोगे इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है, कंपनी का बैलेंस शीट ऑलमोस्ट ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे बैलेंस शीट स्ट्रांग है कंपनी का, और पेज इंडस्ट्रीज की ब्रांड जॉकी नाम ही काफ़ी होता है, और इस कंपनी का बारे में आप ऑलरेडी बाकी चीज़ें तो जानते ही हैं दोस्तों। और दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं होगा दोस्तों।